Such stories played an important part in China's classical education. कौन से तो पढ़ चुके हैं हम? हाँ, सेंशुई कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे. दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंशुई लिटरली माउंटेन वाटर. जो कल मैंने पिक्चर में भी बताया था कि जो हम पहले सीनरी जब ड्रॉ किया करते थे, हम ऐसे करते थे, ये आपके माउंटेन्स आ गए, ये आपकी रिवर आ गए, देन सन, बर्ड्स, ट्रीज, हाउस, इस तरीके की सीनरी बनाते थे. पर दो चीज़ें हम ज़रूर उसमें इंक्लूड करते थे, क्या? एक तो माउंटेन और दूसरा वाटर. तो चाइनीज़ कॉन्सेप्ट में इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि माउंटेन वाटर आपके लैंडस्केप में, आपके लैंडस्केप को माउंटेन वाटर रिप्रेजेंट करता है. बाकी चीज़ें कुछ ऐड कर लो या कुछ डिक्रीज कर लो, लेकिन माउंटेन और वाटर तो नेसेसरी आस्पेक्ट हैं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट चाइनीज़ का था और उस आर्ट को, उस कॉन्सेप्ट को सेंचुरी कहते थे. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. जो मैंने कल भी आपको बताया कि जो माउंटेन वाटर जो सेंचुरी कॉन्सेप्ट है, इसमें दोनों को, माउंटेन को और वाटर को, इन दोनों को एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट बताया है. मतलब अगर ये साउथ है तो ये क्या होगा? अपोजिट, नॉर्थ. ठीक है, तो इसे आप नीचे आगे कंपेयर किया कि कैसे कैसे. द माउंटेन इज यांग, माउंटेन को क्या बोलते हैं? यांग. और रिवर को क्या कहते हैं? येन. तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, अगर माउंटेन वर्टिकली, देखो जब आप माउंटेन ड्रॉ करते हो तो ये अपर ऊपर जाता है, दैट इज वर्टिकली, और रिवर्स डाउन. तो ये इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? हॉरिजेंटली. ठीक है, अगर वो वर्टिकली है तो ये क्या है? हॉरिजेंटल है. सो यांग को कैसे रिप्रेजेंट किया है? रीचिंग वर्टिकुलर टूवर्ड्स हेवन, वो ऊपर हेवन की तरफ वर्टिकली जाता है. स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन व्हाइल द वाटर इज येन, इसके ऑपोजिट है, हॉरिजेंटल है एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो धरती पे आराम कर रही है, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल. ठीक है, तो सन कैसा होता है? हॉट होता है, वहीं पानी क्या है? कूल. द इंट्रैक्शन ऑफ द येन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन आस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी. यहीं पे इन्होंने क्या बता दिया कि जो माउंटेन है ये कैसा है? ये है मैस्कुलाइन. ठीक है, वहीं जो रिवर है, रिवर क्या है? फेमिनाइन. तो नदियों को क्या कहा जाता है? माता भी कहा जाता है ना. तो उन्होंने इसको जेंडर से कंपेयर कर दिया. ठीक है, मैस्कुलाइन उसने माउंटेन्स को बोल दिया, रिवर्स को फेमिनाइन कंपेयर कर दिया. एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, यांग को अगेन वही मैस्कुलाइन बता दिया, इज ऑफकोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म. और इसी नोशन को, फंडामेंटल नोशन दाओइज्म में, दाओइज्म कल हमने दाओ कॉन्सेप्ट पढ़ा, दाओ कॉन्सेप्ट को ही दाओइज्म कहते हैं, जिसमें जिसके मेन कॉम्पोनेंट, दो कॉम्पोनेंट होते हैं, यांग एंड येंग. यांग होता है माउंटेन, येन होता है रिवर. और इसका मेन जो इसकी फीचर है मेन, वो ये क्या है? एक दूसरे से ऑपोजिट. ठीक है, और इसका फंडामेंटल नोशन क्या है? एक तीसरी चीज़ जिसके बारे में अभी आगे पढ़ोगे, वॉइड. ठीक है, वॉइड, इनका वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड इज़ अ मीटिंग पॉइंट ऑफ यांग एंड येन. यांग और येन जिस पॉइंट में मिलते हैं, उस पॉइंट को वॉइड कहा जाता है. अब हम पढ़ेंगे कि इस यांग और यिंग में वॉइड का क्या कॉन्सेप्ट है. चाइनीज़ दाओइज्म कॉन्सेप्ट में, चाइनीज़ कॉन्सेप्ट में, आर्ट कॉन्सेप्ट में वॉइड का क्या रोल है. आगे पढ़ो. वॉट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट. इन दो एलिमेंट के साथ साथ एक तीसरा एलिमेंट भी है. क्या है वो? मिडल वॉइड. अब मिडल वॉइड क्या है? वेयर द इंट्रैक्शन टेक प्लेस. ये देखो, ये आपका माउंटेन है, यहाँ से आपकी रिवर निकली, तो ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं वॉइड. ठीक है, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. अब ऑथर क्या बोल रहा है? ऑथर बोल रहा है कि ये हम तभी अचीव कर सकते हैं विद फुल कंसंट्रेशन, विद फुल फोकस. ठीक है, जो कि हमें कैसे मिलता है? थ्रू प्राणायाम, ब्रेथ इन, रिटेन ब्रेथ आउट. जब हम जैसे प्राणायाम करते हैं,
हम सांस लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, तो वो जब लेते हैं और वो जो एक मिडल का पोर्शन होता है जहाँ पे हम ना ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, जस्ट होल्ड करके बैठे हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं वॉइड। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज़ द वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर, और उसी पॉइंट में हमारा जो फोकस है, हमारा जो मेडिटेशन है वो होता है। तो उस जो बीच का जो पोर्शन है प्राणायाम में उसे वॉइड कहा जाता है। वहीं इन्होंने माउंटेन और रिवर में भी कंपेयर किया है कि वो जो पॉइंट जहाँ पे वो दोनों मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को वॉइड कहते हैं। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। जो ये मिडल का वॉइड है इनका मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना कुछ नहीं होगा। हैंस द इम्पॉर्टेंट ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। इसी तरीके से जो चाइनीज लैंडस्केप होती है जहाँ पिक्चराइजेशन है, तो ये जो खाली स्पेस जो बच जाती है इसको इन्होंने क्या कहा है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बताया है चाइनीज पेंटिंग का। वहीं पे आप इमेजिनेशन कर सकते हो जहाँ खाली चीज़ होती है कि यहीं पे हम एंट्री करेंगे, यहीं से हम अंदर जाएंगे, तो वो चाइनीज़ पेंटिंग में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चाइनीज़ पेंटिंग कभी भी भरी हुई से आपको नहीं दिखेगी। मैं कोशिश करूँगी कल आपको एक चाइनीज़ पेंटिंग इसमें ऐड करके दिखाऊँ और उसके बारे में हम देखेंगे। ये जो चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी है हम उस पिक्चर में नोट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। अब उन्होंने उस पेंटिंग को इंसान से कंपेयर कर दिया है कि यही जो फंडामेंटल रोल हम जो येन और यान के मीटिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम वॉइड की बात कर रहे हैं, यही हमें कुछ पूछना बेटा। हाँ अब होते हैं ना ये हिस्ट्री की बात चल रही है, हाँ इसी तरीके की होती है, ठीक है। एक लैंडस्केप हम देखेंगे, ये जिस लैंडस्केप बेसिकली सीनरी के लिए ही होता है वो मैं कल आपको सर्च करके यहाँ दिखाऊंगी, उसको डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा ये रिकॉर्ड हो रहा है, अननेसेसरी बातें नहीं। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, ही बिकेम्स अ कंडविट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पोल्स बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। अब यहाँ पे कंडविट क्या है, इस कंडविट एक ऐसा मैसेंजर जो एक जगह से दूसरी जगह बात को, अपनी मैसेज को, इंफॉर्मेशन को या कोई थिंग्स को ट्रांसफर कर करे, ठीक है। सो ये मैन पे कैसे अप्लाई होता है कि एक हेवन है ऊपर और अर्थ है, तो ये जो मैसेंजर का काम है यूनिवर्स का, इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक बात पहुंचाने का जो कम्युनिकेशन है उससे कंपेयर किया है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय लॉफ्टी पीक्स, ही इज़ अ फ्रेंचाइज चैंग वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। ये जो द आई ऑफ द लैंडस्केप है ये किसने लिखा, ये फ्रेंचाइज चैंग ने लिखा है, ठीक है। आप इसको अगर डीपली पढ़ो, आपके चैप्टर में है नहीं तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो जैसे अगर हम गॉड पे बिलीव करते हैं तो हमने ना उन्हें देखा है, ठीक है, ना हमने कोई दूसरा यूनिवर्स देखा है, ठीक है। गैलेक्सी में कहा जाता है ना, यूनिवर्स में जो कई सारी गैलेक्सीज़ हैं, तो माना जाता है कई सारी गैलेक्सीज़ है, पर हमने अपनी गैलेक्सी के अलावा, मिल्की वे के अलावा और कोई गैलेक्सी देखी है? लेकिन मानते हैं, गॉड पे हम बिलीव करते हैं, तो ये क्या है, ये विश्वास है, ये ट्रस्ट है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हम पे प्रूफ नहीं है स्टिल हम मानते हैं, उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, उसी पे ये कंपैरिजन कर रखा है कि हमारे यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स पे जो मीडिएटर है, ये भी जो हम अंदर, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस, ठीक है, एक होता है सबकॉन्शियस। तो कुछ चीज़ें जो हम बिलीव कर लेते हैं लेकिन हम कई बार डाउट भी होता है कि शायद ये सच है या नहीं, तो वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, वही इस पेंटिंग में बताई गई है। अब वो चीज़ें किस इस पेंटिंग में कहाँ बताई गई है, वो खाली स्पेस जो पेंटर छोड़ देता है, ठीक है। अब इसी को इन्होंने बताया एक तीसरे कॉन्सेप्ट के बाद। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक चाइनीज़ पेंटर्स कैसे होते हैं, इमेजिनेशन के ऊपर करते हैं, वहीं वेस्टर्न पेंटर्स क्या होते हैं, वो अपनी जो हमने एक राजा एक ऊपर दो स्टोरी पढ़ी थी ना, एक हाँ ब्लैक स्मिथ था, एक ब्लैक स्मिथ को क्वेंटिन माइल्स की पेंटर की डॉटर के साथ, जो क्वेंटिन था ये तो ब्लैक स्मिथ था, इसको
पेंटर की डॉटर से प्यार हो जाता है, लेकिन जो पेंटर है वो इस शादी के लिए रेडी नहीं होता। तो जो ब्लैकस्मिथ है वो एक फ्लाई ड्रॉ करता है, कल हमने पढ़ा था, एक फ्लाई ड्रॉ करता है, लेकिन वो इतनी रियल होती है, इतनी रियल लगती है कि इससे वो पेंटर इम्प्रेस हो जाता है और अपनी बेटी की शादी उससे करा देता है। ठीक है, तो यहीं पे है कि वेस्टर्न पेंटिंग में वो पेंटिंग इतनी अच्छी बनाते हैं कि वो रियल लगती है, वहीं जो चाइनीज़ पेंटर है उसमें आपको पेंटिंग रियल नहीं लगेगी, लेकिन वो इमेजिनेशन होता है और वो जब बताते हैं तो फिर आप उसमें खो जाओगे, तो जिसमें पेंटर को बताना ही पड़ता है। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डफिट मूटेड द कॉन्सेप्ट आर्ट ब्रूट। आर्ट ब्रूट क्या होता है? आर्ट ब्रूट को बोलते हैं रॉ आर्ट, मतलब ऐसा आर्ट जिसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन आप एक आर्टिस्ट हो। ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आया ही 1940 में है, पहले अनट्रेड आर्टिस्ट को हम आर्टिस्ट मानते ही नहीं थे, हम कहते थे भाई पेंटर तो वही होता है जो जिसने ब्रश चलाना सीखा है, जिसने आर्ट, जिसने अपना सब्जेक्ट आर्ट रखा है। आज भी ऐसा होता है कि अगर आपको आर्ट की फील्ड में कुछ करना है तो आपको आर्ट से ग्रेजुएशन करना ही करना है। तो ऐसे आर्टिस्ट जो अनट्रेन है, जिन्होंने कभी उस बारे में सीखा नहीं है, हम उसको आर्टिस्ट नहीं मानते थे। लेकिन 1940 से उन आर्टिस्ट को वैल्यू देना शुरू हो गया और उसका नाम देने लग गए आर्ट ब्रूट, यानी कि रॉ आर्ट। हमारे इंडियन का भी एग्जाम्पल इसमें आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आर्ट ब्रूट क्या है? ऐसे आर्टिस्ट, इनको आउटसाइडर आर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, आर्ट से बाहर, लेकिन अब इन्हें आर्टिस्ट का वैल्यू हमें उन लोगों को देनी शुरू हो चुकी है। द आर्ट ऑफ द अनट्रेन विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट रियल बिगनिंग्स, आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। अब इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। दिस जेनर इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग। पहले इन्हें कोई राइट नहीं था कि हम इन्हें आर्टिस्ट भी कहें, क्योंकि इन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने अंदर का जो टैलेंट है, जो अंदर से वो आर्टिस्ट हैं, वो चीज़ शो करते हैं अपने काम से। देयर वर्क आर इन स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स। कैसे? मेन स्ट्रीम ऑफरिंग ये आप जो पिक्चर देख रहे हो, ये मेन स्ट्रीम ऑफरिंग क्या था? ये ट्रेडिशनल आपका जो पुराना तरीका होता है, ट्रेडिशनल टीचिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये इंडिया में ही है, ये रॉक गार्डन है, स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद, ये नेकचंद ने बनाया है। ठीक है, वो एक रॉ आर्टिस्ट हैं, वो आर्ट ब्रूट हैं। ठीक है, आर्ट ब्रूट एक फ्रेंच टर्म है जिसे रॉ आर्टिस्ट कहा जाता है। तो जो नेक चंदन वो इंडियन है, उन्होंने ये रॉक गार्डन बनाया है चंडीगढ़ में, हो सकता है आप में से बहुतों ने देखा भी हो, बहुत फेमस जगह है, जो भी चंडीगढ़ जाता है रॉक गार्डन स्पेशली देखने जाते हैं लोग। इन्होंने इस गार्डन में बैंगल से ये सब चीज़ें बनाई हैं। अभी इन्होंने डैमो के लिए सिर्फ यही दिखा रखा है, लेकिन इस गार्डन में बहुत कुछ है। आपको आर्टिफिशियल केव्स भी देखने को मिलेंगे, आपको अलग अलग तरीके की प्लांटेशन भी देखने को मिलेगी, और इन्होंने हर एक चीज़ वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए गार्डन स्टैब्लिश किया है। ठीक है, इन्होंने कैसे बनाया? बैंगल्स और रिसाइकल मटेरियल इज़ नोन टू द वर्ल्ड टूडेज एज अ रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। सारे वेस्ट मटेरियल, रिसाइकल्ड आइटम से इन्होंने पूरा रॉक गार्डन बनाया है। इट्स 80 ईयर्स ओल्ड क्रिएटर, ये 80 साल के हैं नेकचंद, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। इंडिया में सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर है आउटसाइडर आर्ट को नाम देने वाले। द 50th इशू ऑफ रॉ विजन, और UK बेस्ड मैगजीन पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, फीचर्ड नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर। तो इनकी इनका नाम भी पब्लिश किया गया था एक UK बेस्ड मैगजीन में, जिसमें जो फ्रंट पेज है उसके अंदर आर्टिकल इनके बारे में आया था, और इनका जो विमेन बाय द वाटरफॉल है वो उसमें दिखाया गया, जो विमेन बाय द वाटरफॉल है उनकी एनिवर्सरी में इनकी कवर पेज, उनकी जो मैगजीन है उसका कवर पेज इन्हें रखा गया था। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वॉज वर्क ऑफ वॉज ऑफ वर्क दैट वर इन द रॉ स्टेट
as regard culture and artistic influences. Anything and everything from a tent to a sink to a broken down car could be material for a work of art. जैसे मैंने अभी बताया कि वो सभी वेस्ट मटेरियल चीज़ों से या फिर रिसाइकिल मटेरियल को यूज़ करते थे अपने रॉक गार्डन में कुछ भी क्रिएटिव वर्क दिखाने के लिए. अब चाहे वो एक छोटी सी छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, चाहे वो टूटी कार क्यों ना हो. समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स. डिजिंग मीन्स ऊँचाइयों तक पहुँचना, ठीक है. रिकोगनाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंड. अब यहाँ पे उनका आर्ट को कैसे माना गया है. आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम. यहाँ पे इन्हें आउटसाइडर आर्ट क्यों कहा गया, क्योंकि जो नेकचंद थे उन्होंने कोई स्पेशलाइजेशन इस फील्ड में नहीं ली थी. एक दिन उन्हें इंटरेस्ट आया कि इन जो वेस्ट मटेरियल है हम इसे यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए हम वेस्ट मटेरियल एक्टिविटी बच्चों से भी कराते हैं, क्योंकि इस तरीके से ही बच्चा सोचना शुरू करता है और अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है. हर बच्चा क्रिएटिव होता है, लेकिन आप स्टोरी पढ़ पढ़ के या बुक्स पढ़ के या क्वेश्चन आंसर्स कर करके रोड मैथड को यूज़ करके आप इससे डेवलप नहीं हो सकते. एक क्लास से दूसरी क्लास पास कर आप ऐसे डेवलप नहीं होते. एक बच्चा अगर फेल हो जाता है तो क्या हम उसे ये बोलेंगे कि वो डेवलपिंग नहीं है या उसको कुछ नहीं आता. नहीं, तो फेल पास फर्स्ट लास्ट या पास करना एक क्लास से दूसरी क्लास जाना ये ग्रोथ नहीं है. ग्रोथ क्या है कि आप फेल हो रहे हो लेकिन आप अपने अंदर के आर्ट को पहचान रहे हो. हो सकता है आप आर्ट में अच्छे हो लेकिन पढ़ाई में नहीं, तो क्या आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्या इसमें आपको प्रोफेशन नहीं हो सकता. तो ये मैटर नहीं करता. हर बच्चे को अपने क्रिएटिविटी शुरू से ही नहीं पता होती, तो वो टीचर का काम होता है कि आपको ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाएं, आपके सिलेबस में ऐसी स्टोरीज हो जिससे आप इंस्पायर हों. इसी तरीके से ये इनका ड्रीम था तो इन्होंने पूरा किया और आज पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है. The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his work. The 5-month interaction show Realm of Nekchand. तो जो यूरोपियन है वो इनके काम से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने 5 month तक इनका एक रियलिटी शो चलाया, द रियल ऑफ नेकचंद. बिगनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nekchand says. तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने नेकचंद का जवाब था कि उनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है, जब वो अपने गार्डन में देखते हैं, रॉक गार्डन में देखते हैं कि लोग वहाँ पे जाके उन सब चीज़ों को देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं उनकी क्रिएटिविटी को, तो यही उनका रिवॉर्ड है. तो ये जो आपने आर्टिकल पढ़ा है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, ये यहाँ से गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, ये टाइम्स इंडिया में थे. जो एडिटर का नाम है बृंदा सूरी, ठीक है, इन्होंने 28 अगस्त 2005 में लिखा था. तो इस पूरे चैप्टर में आपने एक तो चाइनीज़ आर्ट के बारे में, वेस्टर्न आर्ट के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने रॉ आर्ट के बारे में पढ़ा, और यही आपका आपको इस चैप्टर से टोटल ओवरऑल तो आर्ट के बारे में ही बताया गया है, आर्टिस्ट क्या होता है और कुछ चाइनीज़ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया, और कैसे चाइनीज़ कॉन्सेप्ट और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एक दूसरे से आर्ट होने के बावजूद भी एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. तो यही इस चैप्टर में था. हम कल इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे.